तो बाजू का ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस तरीके से आपको पेपर ले लेना है। ठीक है, हमने पेपर ले रखा है, पेपर को क्या करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको सेट करके आपको बिछा लेना है। उसके बाद देखिए बाजू की लंबाई हमारी 6 इंच है, हम 6 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे। आपको लंबाई अपने हिसाब से लेनी है, कम ज़्यादा अगर आपको करनी है आप अपने हिसाब से बाजू की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच बाजू की लंबाई हम रखेंगे, तो 6 इंच का निशान आपको लगाना है। आपको अपनी बाजू की लंबाई के हिसाब से ये निशान लगाना है। हम 6 इंच बाजू रखेंगे तो हम 6 इंच का ही निशान लगाएंगे, आप अपने हिसाब से ये निशान लगाएं। तो यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को भी हमने सीधा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको बाजू का आरमोल लेना है। जितना भी आप अपनी बाजू का आरमोल लेते हैं आपको उतना ही निशान ये लगाना है। यहाँ से इस तरीके से बाजू के आरमोल का निशान हम लगा लेंगे। यहाँ से बाजू की मोरी जितनी आप रखते हैं आपको अपने हिसाब से बाजू की मोरी रख लेनी है। तो ये निशान हमने लगा दिए हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आपको ले लेना है। अब यहाँ से आपको आरमोल की गोलाई देनी है, तो उससे पहले आपको देखिए 2 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। 2 इंच के निशान तक आपको सीधा जाना है, उसके बाद आपको आरमोल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब जो निशान हमने लगाया है इस निशान के ऊपर हमें इसको कटिंग कर देना है पेपर को। तो कटिंग करने के बाद इसको साइड में रखेंगे। अब बाजू का क्या करना है, हमें फ्रंट की साइड में देनी है छांट। ठीक है, बाजू की एक साइड में हमें इस तरीके से 1/2 इंच का कपड़ा निकाल देना है। ये हमारा जब हम बाजू लगाएंगे हमारा ये फ्रंट में आएगा। तो ये जो साइड होती है हमारी बाजू लगाते समय हमारी ये फ्रंट में आती है, तो आपको फ्रंट में छांट दे देनी है। अब इसको बाजू को इस तरीके से खोल लेंगे और सेंटर में से आपको उसको कट करना है। पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा आपको छोड़ देना है इस तरीके से। देखिए पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ते हुए आपको उसको कटिंग कर देना है। अब देखिए इसको साइड में रखेंगे। अब जो भी हमें बाजू बनानी है कपड़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने डबल कपड़ा बिछा रखा है, ये बंद वाली साइड है, आगे की तरफ हमारी ओपन वाली साइड है। तो हम अपने दोनों बाजू इकट्ठे ही कटिंग करेंगे। जो हमने ये पेपर कटिंग किया है इसको इस तरीके से आपको खोल लेना है और ये जो हमारी लाइन है यहाँ से आपको इसको मिलाना है। इस तरीके से इसको मिलाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड से आप इसको मिला लेंगे और यहाँ पर आपको निशान लगाना है। देखिए एक निशान आपको यहाँ लगाना है और एक निशान आपको इस साइड में लगा लेना है। इसके बाद आपको जो हमने पेपर कटिंग किया हुआ है इसके बराबर का निशान आपको लगा लेना है। बिल्कुल बराबर निशान आपको लगा लेना है, कम ज़्यादा आपको ये निशान नहीं करना है। तो निशान लगा लिया हमने, अब इसको उठा लेंगे। अब देखिए जो निशान हमने लगाया है इस निशान के ऊपर हमें इसको कटिंग कर देना है। तो देखिए ये दोनों बाजू हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आपको अपनी बाजू कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस डिज़ाइन में अस्तर लगाना होता है। तो देखिए ये हम अस्तर कटिंग करेंगे बाजू का। तो अस्तर आपको किस तरीके से कटिंग करना है, इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और जो पेपर हमने कटिंग किया है उसको इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल बराबर आपको निशान लगा देना है चाक की मदद से। तो ये निशान जो हमने लगाया है इस निशान के ऊपर आपको कटिंग कर देना है। तो देखिए ये बाजू का अस्तर हमारा कटिंग हो चुका है और ये हमारी बाजू है। तो ये बाजू हमारी इस तरीके से आएगी। तो देखिए अब हम इसको बनाएंगे। तो अब मशीन पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से
बाजू को पकड़ेंगे और इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, एक हमारी ओपन साइड है और एक हमारी ये बंद वाली साइड है। जो ओपन वाली साइड है, जो हमने ये निशान लगा रखा है, इस निशान से आपको एक पैर की सिलाई मारनी है और यहाँ तक कोने तक आपको एक पैर की सिलाई मार देनी है। तो ये सिलाई हमने मार ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका फ्लावर बना देना है इस तरीके से। देखिए इसको, इसको आपको अपने हिसाब से सेट करना है। इसकी सेटिंग आपको अपने हिसाब से करनी है। देखिए इस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे और ये फ्लावर आपको बना देना है। इसको अच्छे से सेट करेंगे, एक बार इसको अच्छे से आपको सेट कर लेना है। तो इसको सेट कर लिया। अब देखिए जो अस्तर है हमारा, लाइनिंग है, लाइनिंग लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, अस्तर के ऊपर बाजू रखेंगे और इसके ऊपर आपको चारों तरफ आपको कच्ची सिलाई लगा देनी है, यानी कि इसको फिक्स कर देना है अस्तर के साथ। इस तरीके से सिलाई मारते हुए इसको अस्तर के साथ फिक्स कर देंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको कटिंग कर देना है। तो देखिए हमारा इस तरीके से ये फ्लावर बना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे सेंटर है यहाँ पे हम एक मोती लगाएंगे। अगर आप मोती लगाना चाहें लगा लें, अगर वैसे ही आप सिंपल यहाँ पर टांका लगाना है, सिंपल टांका आप लगा लें। इस तरीके से इसको अस्तर के साथ फिक्स कर देंगे ताकि आपकी ये फ्लावर की जो शेप है खराब ना हो। यहाँ पे नीचे की तरफ इसको फिक्स कर देंगे। तो देखिए ये हमने फिक्स कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बाजू के साथ का जो कपड़ा है उसके ऊपर आपको पेपर फ्यूज की पट्टी चिपका लेनी है। देखिए पट्टी आपको 2.5 इंच की पट्टी देनी है और जो बाजू के साथ का कपड़ा है उसके ऊपर आपको पेपर फ्यूज की पट्टी चिपका लेनी है और एक साइड से इसको 2 पॉइंट फोल्ड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए बाजू को इस तरीके से उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और यहाँ से ये पट्टी रखनी है। ये जो हमने 2 पॉइंट फोल्ड किया है इसको साइड में रखना है, दूसरी साइड से आपको इसको बाजू में अटैच करना है। यहाँ से इस तरीके से 2 पॉइंट की सिलाई आपको लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से बैठा लेना है। ऊपर की तरफ इस तरीके से इसको मार्जिन को बिठाएंगे और इस निशान के ऊपर देखिए यहाँ पे जो मार्जिन हमने ऊपर की ओर बिठाया है यहाँ पे इसको पट्टी को रखते हुए इसको कट कर लेंगे। अब देखिए इसको हमें बंद करना है तो आपको इस तरीके से लैस लेनी है। अगर पाइपिंग लगाना चाहें पाइपिंग आप लगा सकते हैं, पर हम लैस लगाएंगे। इसको लैस को बीच में रखेंगे जहाँ पर हमारा ये मार्जिन है और यहाँ पे सिलाई मारते हुए इसको हम कवर कर देंगे। यहाँ पे लैस रखेंगे और साथ के साथ इस तरीके से लैस लगाते हुए आपको इसको पट्टी को बना देना है। तो देखिए लैस हमने इसमें लगा ली है और बाजू बनकर हमारे तैयार हैं। अब सिंपल आपको बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है और बाजू को आपको लगा लेना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें,